press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कटिहार मुफस्सिल थानांतर्गत बेलवा का रहने वाला केशव कुमार आज अपने गौव में काली पूजा के विसर्जन में गया हुआ था तो पहले से घात लगाए हुए कुछ युवक बैठे हुए थे। मौका मिलते ही दर्जनों लोगों ने लाठी रॉड लेकर केशव पर हमला बोल दिया। बीच बचाव के लिए आए बहन जोशना कुमारी पे भी युवकों ने हमला कर दिया, जिसके बाद केशव बुरी तरह घायल हो गया। केशव के परिजनों के द्वारा इस मामले को लेकर नामजद लोगों के खिलाफ मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा चुकी है। फिलहाल केशव को बेहोशी की हालत में उसके परिजन सदर अस्पताल कटिहार इलाज कराने के लिए लाए हुए हैं। कटिहार से विमल मालाकार की रिपोर्ट। क्या मामला, क्या था मामला? तो कुछ नहीं था, मूर्ति विसर्जन हो रहा था, काली पूजा था। तो मेरा भाई जाके सुबह से नहीं था, 5 मिनट के लिए गया था क्योंकि मेला मालिक का कमेटी था, तो उसको बुलाया कि आपके आप नहीं रहिए अगर मूर्ति विसर्जन कैसे होगा। गया स्टेज पे थोड़ा डांस करने गया, उसके बाद तुरंत उसके पीछे से सब पहले से मिला हुआ था उन लोग की तरफ से 10-15 लेडीज सब मिला के 20-25 को होगा। सब पकड़ के उसको खींचा नीचे, पूरा हथियार का सब था वो, रड लाठी फाइटर सब सब लेके मारा है। कब की घटना है? नाक में दीवार में टकरा के आज सुबह की। कितने बजे की? क्या नाम है जिनको मार लगा? केशव कुमार। कहाँ रहते हैं? बेलवा में। ये मारने के पीछे कारण आखिर क्या था, कुछ पता है आपको, जानकारी है? कारण तो हमको जानकारी नहीं है। हाँ? लेकिन कल रात में भी वो लोग घर में घुस गया था मारने। किनको किनको मारा है वो लोग भीड़ में, कैसे कैसे? भाई को मारा, उसकी बहन को, जोशना दीदी को। बहन भी वहीं पर थी? हाँ, बहन गई थी बचाने के लिए आज सुबह। हाँ, तो मेरा भी भाई हुआ, बड़े पापा का बेटा है। आपका परिचय? मेरा नाम जोशी कुमारी है, ये मेरा बड़े पापा का बेटा है केशव कुमार। और बड़ी मम्मी भी गई थी बचाने के लिए, तो उनका भी बाल खींच के उधर हटा दिया। मेरा भाई, मेरा दीदी का बेटा लोग गया बचाने के लिए, छोटा सा था तो उसको उठा के फेंक दिया। इस मामले को लेकर के आपने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है? गए हैं। प्राथमिकी दर्ज कराई है आपने? आवेदन दिए। कौन से थाने में? उपस्थित थाने में। ठीक है, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.